अथ उत्तरकांड। रहा एक दिन अवधिहारा, रहा एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयउ, जानी कुटिल की धो मोहि बिसारउ। भरत जी गहरे शोक में पड़ गए थे। 14 वर्ष पूरे होते होने में केवल एक दिन शेष बचा था। राम ने अब तक जो कहा वो पूरा किया है। रामो द्वि नाभिभाषते, राम दो कथन बोलते ही नहीं, जो कह देते हैं उस पर अटल रहते हैं। फिर क्या कारण हुआ कि नाथ ने अवधि तोड़ने का निर्णय कर लिया है? हो सकता है मुझे कुटिल खल और छली समझकर त्याग दिया हो, किंतु कौशल्या के मन में आनंद की अज्ञात लहरें उठ रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो राम आना ही चाहते हैं। सच्चे हितैषियों प्रेमियों भक्तों को घटना यदि प्रिय से संबंधित हो तो उसका आभास हो ही जाता है, किंतु विरह की आग सर्वत्र लग रही थी। कौशल्या सुमित्र ही नहीं, सभी अयोध्यावासी इस आग की लपट में जल रहे थे। भरत का मन तो विरह सागर में डूबा जा रहा था। उसी समय बचाने के लिए जहाज लेकर अंजनी पुत्र जा पहुंचे। राम विरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आए गए जनु पोत। हनुमान जी को देखा भरत ने तो वो व्याकुल हो गए। हनुमान जी हर्ष से व्याकुल हो गए, उनका एक एक रोम पुलकित हो गया, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा और भरत जी से बोले, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयउ कुशल देव मुनि त्राता। जैसे प्यास से मरते हुए को पानी मिल जाए, भरत जी उठकर खड़े हो गए। ये वचन सुनते ही सारे दुख भूल गए, बोले, को तुम तात कहां ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। भैया कौन हो, कहां से आए हो, कितने प्रिय वचन सुनाकर मुझे कृतार्थ किया है, ये तुम भी नहीं जानते। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मारुत सुत में कपि हनुमाना, राम मोर सुनु कृपा निधाना, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेंट उठि सादर। हे करुणा निधान, मैं मारुति पुत्र हनुमान हूँ, दीन बंधु रघुपति का सेवक। सुनते ही भरत ने पवन सुत को हृदय से लगा लिया, बोले, पवन पुत्र तुम मिले, मैं समझता हूँ मुझे राम ही मिल गए। फिर उनसे सारी घटनाएं सुनी। हनुमान जी तो राम के पास चले गए। भरत हर्ष में भरकर नगर में जुट गए, गुरु को समाचार दिया, फिर भवन में जाकर राम आ रहे हैं ये समाचार सुना दिया। माताएं रो पड़ी, नगरवासी प्रफुल्लित हो गए, राम के दर्शन के लिए नगर से बाहर आकर खड़े हो गए। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु परे प्रेरहु उतरे भूमि विमान। वो आया विमान, तभी विमान नगर के निकट ही उतरा। उतरते ही राम ने विमान को कुबेर के यहाँ भेज दिया और कहा, ये लंकापति रावण का नहीं है, ये कुबेर का था। भरत ने राम को देखा तो पैर भूमि नहीं उठत उठाए, वर करी कृपा सिंधूर लाए।
राम ने भूमि में पड़े हुए भरत को बलपूर्वक उठा लिया और हृदय से लगा लिया। उनको रोमांच हो गया और कमल जैसे नेत्रों में ओस के बिंदु जैसे आंसू आ गए। छोटे भाई शत्रुघ्न से भी मिले, लक्ष्मण अपनी माँ सुमित्रा से मिले, किंतु राम पहले केकई से मिलने गए। राम ही मिलत केकई हृदय बहुत सकुचान। राम उनसे बार बार मिले और उनके मन से क्षोभ कम नहीं हो रहा था। ये देखकर राम उनसे बार बार मिलने जाते थे। राम मिलत के कई हृदय बहुत सकुचान। किंतु राम के कई से बार बार मिलते थे, उनके मन में जो क्षोभ था उसे कम कर रहे थे। राम अनेक रूप धारण करके कुछ ही क्षणों में सबसे मिल गए। गुरु वशिष्ठ कौशल्या से मिलना तो आंखों का दृष्टि से मिलना होता था। सब विप्र मिलकर वशिष्ठ से कहने लगे, अब मनि बर विलंब नहीं कीजे, राम राज कहे तिलक करीजे। हे मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी, आप तिलक क्यों नहीं कर रहे? अब तिलक कर दीजिए, राम का राज अभिषेक हो जाना चाहिए। वशिष्ठ ने तिलक का सारा सामान मंगवाया। अयोध्या नगरी को सजाने में देवताओं ने भी सहायता की। नगरी सज गई। राम ने भरत की जटाएं अपने हाथों से संवारी। चारों भाइयों ने स्नान किया। सीता को विधिवत प्रेम से नहलाया गया। गुरु ने दिव्य सिंहासन मंगवाया। तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। राम और सीता को सिंहासन पर बिठाया गया। उस शोभा का वर्णन करना तो कठिन ही है। वो शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश, पर नहीं सारद शेष सुवी सोरस जान महेश। का घुसुम जी गरुण से कहते हैं, पक्षीराज उस समय की शोभा और समाज का वर्णन तो मुझसे होने से रहा। जैसे शारदा और शेष सदा उनका ही वर्णन करते हैं, वेद भी उन्हीं गाते हैं और उनके रस का पान केवल भगवान शिव ही करते हैं। उसी समय वेदों ने बंदी वेश में आकर उनकी स्तुति की, कोई जान ही नहीं सका। अवसर मिलते ही भगवान शंकर अपने कथनानुसार आए और विनय पूर्वक गदगद वाणी में खुशी से गाने लगे। जय राम रमा रमन समनम भवताप भयाकुल पाप जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाही प्रभो गुणशील कृपा परमायतन प्रणमामि निरंतर श्री रमण रघुनंदन कंदन द्वंद्व घनम महिपाल बिलोक दीन जनम। सुनु खगपति ये कथा पावनी त्रिभुज ताप भय ताप नशावनी जामवंत नीलादि सब पहराए रघुनाथ ये धरि राम रूप सब चले नाई सिर माथ। सभी माताएं स्त्रियों के साथ आई और आरती गाने लगी भगवान राम की। शिख छवि धर की आरती करिए सियावर की नख शिख छवि धर की आरती करिए सियावर की लाल पीत अंबर अति साजे छवि निरखत शारद शचिलाजे तिलक चिलक भालन पर राजे कुमकुम केसर की आरती करिए सियावर की नख शिख छवि धर की आरती करिए सियावर की शीश फूल कुंडल चमकत है चंद्र हार मोती चमकत है कर कंगन की दुति दमकत है जगमग दिन कर की आरती करिए सियावर की नख शिख छवि धर की आरती करिए सियावर की।
मृदु तलु मन में अधिक ललाई, हास बिलास न कछु कही जाई। चितवन की छवि अति सुखदाई, मन ही मन पर की आरती करिए सियावर की। नख शिख छवि धर की आरती करिए सियावर की। सिंहासन पर चमर डुलत है, झांझ बजत जय जय उच्चरत है। सादर स्तुति देव करत है, लुटरन अनुचर की आरती करिए सियावर की। नख शिख छवि धर की आरती करिए सियावर की। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। I'm not sure.